तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी क्या क्या डिस्कस कर लिया बेटा, होता है क्या, इसका मीनिंग समझ लिया, क्या होता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ओनली सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स, एक होगा प्लस आई और एक सेकेंड का होगा बेटा माइनस आई। ठीक है, प्लस आई में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, माइनस आई में भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, बस प्लस आई में ग्रुप कैसा होगा, डोनेट करने वाला, और माइनस आई में विड्रॉ करने वाला। तो कौन से ग्रुप डोनेट करने वाले हैं, कौन से विड्रॉ करने वाले हैं, उसके लिए हमने बताया ऑर्डर, माइनस आई ऑर्डर। इस ऑर्डर में जो ग्रुप है बेटा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन कौन से ग्रुप है बेटा, एन R3+ NH3+ NO2CN SO3H कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका क्या था बेटा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो इथर कीटोन एल्कोहल ट्रिपल बॉन्डेड बेंजीन मतलब फेनिल डबल बॉन्डेड और हाइड्रोजन जिसका होगा ऑलमोस्ट जीरो। नेक्स्ट है प्लस आई ऑर्डर, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो NH- O- CO-, टर्शियरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल, जीरो डिग्री एल्काइल, ये था ऑर्डर। एक छोटा सा ऑर्डर याद नहीं कर रहे अभी बच्चा लोग हमारे, अफवाह देखे हैं बड़े बड़े, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जे डबल ई तो ऐसे पास कर लेंगे, होता ही क्या जे डबल ई का एग्जाम, सब चुटकियों में कर लेंगे, है ना बेटा। जाते जाते लास्ट में क्या बताया था बेटा, एप्लीकेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते बेटा। तो देखे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियम आयन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायंस एंड कार्बन फ्री रेडिकल, सेकेंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, थर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ, फोर्थ बेसिक स्ट्रेंथ, फिफ्थ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, सिक्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो कार्बोकैटायन कैसा स्पीसीज है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच और डिफिशिएंट। कार्बोकैटायन किस तरह का स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और रिच, और डिफिशिएंट कार्बन फ्री रेडिकल डिफिशिएंट डिफिशिएंट। तो उसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा बेटा, गरीब है, गरीब की गरीब डोनर करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप कौन सा है बेटा, प्लस आई, विड्रॉ करने वाला माइनस आए। कार्बन आयन अमीर है बेटा, बोझ ज्यादा, उस बोझ को कम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन का बोझ को कम कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाला विड्रॉइंग। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस आए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आए। एसिडिक स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज कौन इंक्रीज करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग,
विड्रॉ करने वाला है, याद ही नहीं बेटा, नहीं करोगे याद तो कुछ नहीं हो सकता, बता दे रहा यहाँ पे। बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इलेक्ट्रोफिलिसिटी माइनस आई से बढ़ेगा, प्लस आई से डिक्रीज, ये प्लस आई से इंक्रीज, माइनस आई से डिक्रीज। ये रिलेशन मतलब एप्लीकेशन याद होना चाहिए बेटा, रटा होना चाहिए बिल्कुल। याद कर लोगे बेटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे, ऑर्डर ज्यादा जरूरी है लेकिन। तो अरेंज द गिवन स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द गिवन स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी। Arrange the given species, मतलब species in decreasing order, order of stability, मतलब stability। इतना याद है ना बेटा सबको, याद नहीं होना चाहिए तो सामने लिखा होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने है तो। स्टार्ट करें बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो दिमाग का दही कैसे किया जाता है क्वेश्चन, छोटा सा दिमाग कितना टेंशन भरा जाएगा अभी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसा ना बेटा, बस अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लिए हो, थ्योरी दिमाग में बैठा लिए हो, इसके पीछे जो स्टोरी बना था वो दिमाग में बैठ गया, कुछ नहीं है, बस एक बार क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन सॉल्व, बस देखने से ही। और नहीं समझ पाए क्वेश्चन को एक बार देख के, थोड़ी देर में भी नहीं समझ आया तो बेटा फिर तो दिमाग में बहुत सा दही जमने वाला, दिमाग हैंग होने वाला है। तो सबसे पहले ढूंढना अलग क्या है, और उस अलग से रिजल्ट क्या आने वाला है। ये क्वेश्चन बेटा करना है इन्हें सॉल्व, तो जब भी इनके क्वेश्चन को जो क्लास में करवा रहे हैं हम, अगर इनको नोट कर रहे हो तो 2 से 3 लाइन का स्पेस रखना, वहां पे रीजन नोट करोगे खुद से, हम नोट नहीं करवाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बना है, जो एक्सप्लेन करेंगे उसी चीज को नोट करना तुमको हर क्वेश्चन के नीचे। और जो बच्चा ये करेगा खुद से बेटा आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी से सॉल्व होगा, इसलिए ये हम नहीं बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे तुमने क्या समझा उसको खुद से नोट करो, हिंदी में नोट करना हिंदी में, इंग्लिश में करना तो इंग्लिश में, मराठी में करना तो मराठी में करो, उर्दू में लिखना तो उर्दू में नोट करो, ठीक है ना बेटा, बस नोट होना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्पीसीज कौन सा है, सब में कार्बोकैटायन है, सब में क्या है बेटा कार्बोकैटायन, नहीं है कहीं तो लगा लेंगे। तो फर्स्ट वाले में देखो डिफरेंस क्या है, जिस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, क्या है डिफरेंस, जिस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज उससे कुछ ग्रुप लगे हैं अलग, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बेटा, कुछ नहीं तो CH3, लास्ट में क्या रहता है CH3, तो CH3 कौन से ग्रुप में आता है बेटा, प्लस आई में,
इसमें आता है प्लस आई, तो ये प्लस आई अगेन प्लस आई एंड अगेन प्लस आई, ये भी किसमें है प्लस आई। ध्यान से सुनना बेटा जो बातें हम बोल रहे हैं, ये भी प्लस आई। अब यहाँ पे प्लस आई थ्री टाइम्स, यहाँ पे टू टाइम्स और यहाँ पे वन टाइम्स। तो ये था प्लस आई ए बी सी में। तो बेटा प्लस आई ए में थ्री टाइम्स, बी में टू टाइम्स, थ्री में वन टाइम्स। तो प्लस आई क्या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को फेवर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, दिखाई दे रहा है। तो कार्बोकैटायन के पास जब प्लस आई आया तो कार्बोकैटायन हो गया खुश, मतलब हो गया स्टेबल। तो कौन से में कंपाउंड में प्लस आई ज्यादा है जो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा? फर्स्ट ए वाले, गरीबी को, इस बेचारे कार्बोकैटायन की गरीबी को दूर करने के लिए कितने लोग आए? तीन लोग। तो खुश हो गया बेटा, ज्यादा स्टेबल, खुशी के मारे जो मुठा। इसके पास बस एक ही लोग हैं, इसने कम स्टेबल। तो ऐसा स्टोरी बनाते चलो, दिमाग में बैठा लो। फिर से यहाँ पे कार्बोकैटायन, फिर से गरीब बेचारा दुखिया असहाय, ठीक है ना, किस्मत का मारा। अब इसके पास अलग क्या क्या बेटा, ये क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो सबसे पहले देखो क्या ये प्लस आई में है, नहीं है। क्या ये माइनस आई में है? तो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा माइनस आई में? तो यहाँ पे माइनस आई ऑर्डर, किसका माइनस आई ज्यादा है? क्लोरीन, क्लोरीन और लास्ट में आयोडीन। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन माइनस आई, तो क्या कार्बोकैटायन माइनस आई से स्टेबल हो सकता है? नहीं होगा, मतलब तीनों के तीनों अनस्टेबल है, लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है? माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन का मारा, ठीक है ना, गरीबी से परेशान। तो बेटा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा इसकी गरीबी को और बढ़ा देगा, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? क्लोरीन। अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो अलग की बात है, निकाल कौन सकता है? फ्लोरीन, क्योंकि बेस्ट माइनस आई इन तीनों में। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा? ए। बी और सी में? सी ज्यादा, बी कम। इस तरह से स्टोरी बनाते जाओ, यहाँ पे स्टोरी को नोट करते जाओ, तो हमेशा बनेगा क्वेश्चन कौन सा ग्रुप है ये, डबल बॉन्ड माइनस आई, कौन सा ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड माइनस आई, ये एल्काइल है। एल्काइल कौन सा ग्रुप होता है बच्चा? प्लस आई। तो बेटा कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, माइनस आई के साथ या प्लस आई के साथ? प्लस आई के साथ। हाँ, अब माइनस आई में सबसे ज्यादा अच्छा माइनस आई कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम स्टेबल करेगा, तो सी ए बी। तो बेटा इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है ऑर्डर ऑफ माइनस आई और प्लस आई का? यहाँ पे अलग क्या है देखने को ट्राई करो, ये ग्रुप माइनस आई एंड अगेन माइनस आई। तो बेटा आपका होगा सब माइनस आई, इनमें सबसे अच्छा माइनस आई कौन सा है? NH3 ज्यादा है, उसके बाद NO2 है, उसके बाद COOH है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल C, उसके बाद D और सबसे ज्यादा स्टेबल A। यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है पोजीशन का, फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड पे और ये थर्ड कार्बन पे। तो मैंने बोला था बेटा चाहे प्लस आई हो या माइनस आई हो, सब आग की तरह काम करता है, ठीक ना बेटा? तो NO2 आग है और उस आग से कार्बोकैटायन बच रहा है, मतलब अपने आप को स्टेबल कर रहा है या अनस्टेबल कर रहा है? NO2 फायर की तरह काम कर रहा है, और वो फायर कार्बोकैटायन को स्टेबल कर सकता है क्या? क्योंकि माइनस आई वाला फायर है, तो क्या माइनस आई इसको स्टेबल कर सकता है? कार्बोकैटायन को क्या माइनस आई स्टेबल कर सकता है बेटा?
अरे नहीं कर सकता, लिखा हुआ है नहीं कर सकता, कार्बोकेटायन इनवेसिव ऑप्शनल। तो बेटा आग कार्बोकेटायन के पास में होना चाहिए, दूर में होना चाहिए? फिर दूर में सर, दूर। तो दूर में कहां पे? सी, फिर बी और सबसे लास्ट में ए, ठीक है ना। कम डिस्टेंस में होगा तो अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से स्टोरी दिमाग में बनना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ये सब पहले देखो अलग क्या है, उस अलग से उस स्पीसीज पे फर्क क्या पड़ता है वो देखो, और वो स्टोरी। कार्बोकेटायन गरीब है, इसको गरीबी को दूर करने के लिए प्लस आई वाले होने चाहिए, माइनस आई नहीं है। अगर हुए भी तो दूर में रखो या सबसे बेकार माइनस आई। तो बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन। आपको जल्दी बेटा, और जितना भी चीजें बताया वहां पे रिटर्न में कर लेना जिनको याद है, तो जितना ज्यादा उसको खुद से नोट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। छापो जल्दी बच्चा लोग। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर देंगे हम ना। ऑर्डर कॉपी, जिस कॉपी में नोट किए हो बेटा ऑर्डर, उस कॉपी को सामने रख लो या फिर रब कॉपी में ऑर्डर नोट कर लो, ठीक है ना। सामने रख लेके रखे रहो कॉपी को, क्योंकि मैं यहाँ से रब कर दिया ऑर्डर को। फाइव क्वेश्चन हुए थे ना। नोट करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। हमेशा क्वेश्चन यही देखना, अलग क्या और उस अलग से होने वाला क्या है, क्या फर्क पड़ने वाला उस कंपाउंड के ऊपर। चलो नोट करो ये क्वेश्चन और सॉल्व करो जल्दी से। पांच क्वेश्चन हैं, कितने छह क्वेश्चन है, छह मिनट का टाइम है बेटा, ज्यादा ज्यादा छह मिनट के अंदर बन जाना चाहिए।
ऐसे देखा जाए तो मुश्किल से 5 सेकंड का भी नहीं है क्वेश्चन, कैलकुलेशन तो करना नहीं बस अप्रोच लगाना है, बट स्टार्टिंग है इसलिए। और पहले नोट डाउन करके सॉल्व करके बेटा, हवा में कोई नहीं सॉल्व करेगा कि बोर्ड में देख रहे हैं और नीचे आंसर लिख रहे हैं। हो रहा है बेटा सॉल्व की हो गया? एक मिनट और, हो गया। चलो फिर तो देखो यहाँ पे अलग क्या सिक्स नंबर वाले क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन सिक्स में अलग क्या डिफरेंस क्या है क्वेश्चन सिक्स में? सब में एक कॉमन है CH3, इनका लोकेशन कितने किलोमीटर पे बेटा? ये 10, 20, ये 30, ये 10 किलोमीटर, ये 20, ऐसा समझने के लिए बेटा, ठीक है ना? तो बेटा CH3 कौन सा ग्रुप है? प्लस आई। तो प्लस आई का कार्बोकेटायन के साथ क्या रिलेशन है जी? स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल। हाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए पास होना चाहिए, लेकिन है दूर। सेकंड में ये कौन सा ग्रुप है? माइनस आई। ये भी कौन सा ग्रुप है? ओ आर माइनस आई। और ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आई। तो बच्चा बताओ कौन ज्यादा स्टेबल करेगा, माइनस आई या फिर प्लस आई? प्लस। ओ प्लस आई मतलब सी, सी के बाद इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा है बेटा? देखो तो ओ आर के बाद ओ आर का बी वाले का, ये फिर ओ एच, ये ज्यादा माइनस आई है तो कम स्टेबिलिटी देगा ना बेटा, तो ए ज्यादा स्टेबल है देन बी, यही ना माइनस आई ऑर्डर? यस सर। उसके बाद यहाँ पे अलग क्या बेटा? NO2 COOH CN, सबसे ज्यादा माइनस आई इसका, तो कम स्टेबिलिटी, तो ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सा होगा? बी सी ए। यहाँ पे एक्स मतलब
फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये सब कौन से ग्रुप है बेटा? माइनस आयन। कितने टाइम है? 3, 2, 1। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा? कम हेलोजन कम माइनस आई, लिस्ट माइनस आई मोर स्टेबिलिटी। अब कार्बन कटायन सी के बाद बी, बी के बाद ए। यहाँ पर देखो बेटा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो माइनस आई, यहाँ पे सब है माइनस आई माइनस आई माइनस आई। कौन बहुत ही ज्यादा गजब का माइनस आई है बेटा? फ्लोरीन। स्टेबिलिटी को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा बेटा। तो आंसर कौन सा होगा? सी बी, सी बी की सी ए बी, सी ए बी। यहाँ पे देखो फ्लोरीन पास में है, दूर में है और बहुत दूर किसी और दुनिया में, तो कहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? फर्स्ट। एक दूसरे के जाने दुश्मन, जितना दूर रहे उतना अच्छा है दोनों के लिए। तो फर्स्ट में स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। कौन बोला बेटा? सर सी ए, सी ए में, सी में। कैसा कर रहे हो यार? सी बी ए, ठीक है ना? क्लियर है? तो है ना मजेदार क्वेश्चन बेटा। बस कुछ नहीं करना, बस सोचना है। जो जितना अच्छा सोच लिया सही डायरेक्शन में, ख्याली पुलाव बना लिया, तो क्वेश्चन है ही क्या? मुश्किल से 6 सेकंड 5 सेकंड का एक क्वेश्चन है बेटा। क्लियर है? रब कर दो। बेटा की नोट कर रहे हो बेटा, ऑर्गेनिक में यहाँ से जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी बनेगा, इसलिए पूरा रब कर दो ना। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अच्छा रहे आपके लिए। रब करो ना बेटा। तो 15 तक हुआ, 16 तक हुआ था बेटा, सॉरी 11 क्वेश्चन हुए थे ना? कितने हो गए थे? 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 17 आ जाएंगे बेटा। A, B, C और इसके बाद आंसर बताना है। फ्रेम में है ना बेटा सब? A, B, C। लास्ट में आंसर। कोई फ्रेम से बाहर तो नहीं गया ना? क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16।
तो चलो सॉल्व करो बच्चा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। सब में कार्बन बनाया है तो यहाँ पे प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हो रहा बच्चा लोग सॉल्व? डन सर। वेरी गुड, है ही कुछ नहीं बेटा क्वेश्चन में। हो गया सभी का सॉल्व? यस सर। चलो देखो, तो सबसे पहले कार्बन आयन दिख गया हमको, ये कौन से ग्रुप है बेटा? एल्काइल 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 मतलब प्लस आई के भंडार, प्लस आई एन ए बी प्लस आई, ये पूरा एक प्लस आई। तो बेटा प्लस आई बढ़ा देता है स्टेबिलिटी कार्बन आयन को, डिक्रीज करेगा, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा? सी बी और सबसे कम स्टेबल ए। यह आंसर यहाँ पे अलग क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो बेटा ये माइनस आई है, तो माइनस आई क्या करते हैं बेटा? बढ़ाते हैं। इतना अच्छा ना, माइनस चार्ज माइनस से स्टेबलाइज, माइनस मतलब कार्बन आयन माइनस आई से स्टेबलाइज, प्लस प्लस से स्टेबलाइज। याद तो रख सकते हो ना बेटा, कार्बन का आयन पॉजिटिव चार्ज प्लस आई से स्टेबलाइज, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव मतलब आई मतलब माइनस आई। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बेटा? ए बी सी, सेम चार्ज वाले सेम को स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसमें देखो क्या डिफरेंस है, ऑक्सीजन माइनस आई कितने बार है भाई? माइनस आई यहाँ पे तो भरमार है, माइनस आई का खदान खोद दिया यहाँ पे माइनस आई का, तीन तीन खदान है बेटा यहाँ पे दो। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। क्लियर है बेटा? माइनस आई माइनस आई, ये ग्रुप प्लस आई, ये भी प्लस आई, ठीक है ना, अलग दिख रहा है, ये भी पूरा प्लस आई है बट यह इसमें ज्यादा प्लस आई है बेटा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? ए, ए के बाद सी, सी के बाद बी, ठीक है, ठीक है कि नहीं बेटा? यहाँ पे देखो माइनस आई कोई भी आई नहीं, मतलब कोई भी आई नहीं बोलेंगे, प्लस आई है, तो ज्यादा स्टेबल सी ए बी, ठीक है ना।
तो बनेगा कि नहीं बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन, किसका पूरा सही हो गया ये? हो जाएगा बच्चा लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व? बेटा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे जी? बोलोगे पक्का? हाँ सर। तो ऑर्डर जल्दी से जल्दी क्या करो बेटा, भूल जाओ, ठीक है ना? क्वेश्चन जल्दी बनेगा, याद करने के बोला था तो याद किए, नहीं तो भूल जाओ, शायद भूलो तो याद कर लो, आजकल उल्टा समझते हो ना तुम लोग। तो ऑर्डर जल्दी से जल्दी भूल जाना ताकि क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना बेटा? और डीपीपी की बात करें तो डीपीपी भी दे देंगे। हाँ बेटा बोलो, किसमें डाउट है? तो 16 लास्ट वाला फिर से। हाँ बेटा देख लेते हैं 16 में। तो बेटा 16 में क्या पूछा है जी? माइनस आई बेटा, तो कौन सा माइनस आई सबसे ज्यादा अच्छा होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड वाला? ट्रिपल बॉन्ड वाला लिखे हो ना बेटा, माइनस आई ऑर्डर सी एस ट्रिपल बॉन्ड सी। तो मुझे बताओ कौन सा ज्यादा है बेटा, ये ज्यादा स्टेबल होगा ना? अच्छा उधर मैं सी भी ये कर दिया क्या? क्या होगा आंसर? बी ए सी, उल्टा लिख दिया था ना? यस सर। और बोलो बेटा, और कहीं उल्टा सीधा लिख दिया क्या? हाँ सर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना? कौन बोला? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज रहता है तब डोनेटिंग ग्रुप है। क्या यहाँ माइनस चार्ज दिख रहा है बेटा? ओ माइनस है तब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में है, ठीक है ना? मैंने तो ओ आर लिखवाया ना इधर, माइनस आई में रखा है कि नहीं रखा बेटा? दिखा, याद आया? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो डोनेटिंग है, कहीं पे माइनस चार्ज है बेटा ऑक्सीजन पे? है कहीं पे? बोलो, तो याद रखना बेटा दोनों में ऑक्सीजन, माइनस ऑक्सीजन वाला ग्रुप डोनेटिंग में भी है और विड्रॉइंग में भी है। ये माइनस चार्ज रहा तो डोनेटिंग, और ये रहा विदाउट चार्ज वाला तो विड्रॉइंग, ठीक है? क्लियर है बच्चा लोग? हो जाएगा अब समझ में आ गया बच्चा डाउट जिनका 14th और 15th इनकरेक्ट हुआ है? हेलो सर। तो ये मिस्टेक मत करना, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज तो डोनेटिंग, नहीं है तो विड्रॉइंग। और एग्जाम में बता रहा हूँ बेटा, हर साल एक को दो से तीन क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको एक दो, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे चार पांच हो सकते हैं इस टॉपिक से। मतलब ये बस इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को लेके, ठीक है बच्चा लोग? तो कल और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपको ना एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा कम से कम, रेजोनेंस वाला, तब जाके होगा सॉल्व। तो आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ कोई ऑप्शन में बेटा? कोई डाउट, कोई दुख दर्द? तो बाय बच्चे लोग, बाय बच्चा लोग, बाय सर, बाय बेटा।